चलो वैसे हम लोग कुछ देखते हैं आज, थोड़ा सा मेजरमेंट पे काम करते हैं। मेजरमेंट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास यहाँ पे ये पार्ट दे रखे हैं भाई, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रेट पे गए, पॉली क्यूब में यहाँ पे क्यूब ले लिया, ठीक है। हाइट मेरे पास कितना है, वेट कितना है और डेप्थ कितना है, तो मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास, अगर मैंने वेट देखा 90, तो वेट में कर दिया हमने 90, ठीक है। मिक्स और अभी हम लोग काम करें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में सेटिंग पे गए, ये सेंटीमीटर मेरे पास यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हाइट कितना 180 है, तो हाइट को मैंने कर दिया 180। एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गए। डेप्थ मेरे पास कितना है 11, तो नंबर्स आपको पता होना चाहिए। इसके साथ अभी जो मैंने नंबर दिया वो सही है कि नहीं है, सबसे पहला काम फ्रंट पे गए। कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं तो मेरे पास ये मॉडल हमेशा ग्रिड पर ही होना चाहिए, ग्रिड के ऊपर हो तो ज़्यादा बेटर, ठीक है। अभी यहाँ से आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे, देखो यहाँ पर मैं उस चीज़ों को थोड़ा सा मैं मेजरमेंट करके दिखाऊँ, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्रेट में गए, मेरे पास मेजर टूल होता है क्या, मेजर टूल में मिलता है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस में जाके पहले आप यहाँ पे चीज़ों को पहले बैलेंस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट ग्रिड का पार्ट है, ग्रिड यहाँ पे काम करेगा नहीं करेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये बहुत बढ़िया काम है, मैं ये वाला इसको मैनेज करता हूँ, ठीक है। मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, दिस वन देखो यहाँ पे अभी ग्रिड पे काम कर रहा है। अभी देखो ये अगर सेंटीमीटर में को, तो ये 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो हर बॉक्स के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है किस हिसाब से मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस किया, इसको सिलेक्ट कर दिया, मैं इसको मैं मैनेज करके ले गया हूँ कितना है, तो ये पार्ट आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे कितना, ये 45 दिख रहा है, मैंने इसको पकड़ लिया, मैंने इसको पकड़ के यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है, दिस वन। अभी यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे कितना पार्ट आ रहा है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे कितना है 90 आ गया यहाँ पे। तो हमने जो नंबर दिया वो आया कि नहीं आया, सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर मैंने यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे मैंने देखा तो कितना है 90 वर्ड दे रखा, तो एग्जैक्ट आ गया, मतलब हम लोग का मेजरमेंट सही है। अभी बाई चांस अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बेवल कर दिया। बेवल करने पर मैंने ऐसे कुछ पार्ट दे रखा है, यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है, शिफ्ट एंड बेवल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जो पार्ट मैंने दिया, इस वाले पार्ट से मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है कि मुझे ये वाला पार्ट मुझे अंदर से बाहर निकल के दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर ये 5 है ना, एक्सट्रूड किया यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने थिकनेस कर दिया -5, तो ये ऑटोमेटिक 5 सेंटीमीटर पर ही जाने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है, लगे मुझे डाउट है तो मैंने यहाँ पर शिफ्ट राइट क्लिक एंड फेसेस को मैंने क्या कर दिया, डुप्लीकेट फेसेस, ओके, इसको सेलेक्ट कर दिया, एच फॉर हाइट, ये पार्ट आ गया, फेसेस सेलेक्ट कर दिया, मैंने कर दिया एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थिकनेस को दे दिया मैंने 5, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये पार्ट में बस यहाँ पे आएगा तो आपको एग्जैक्ट वही चीज़ मिलने वाली है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, छोटा मोटा एनिमेशन देना है, तो आपने क्या किया, WDV एंड मिडिल माउस बटन, ये आपने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं देखूँ, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं ऐसा रोटेशन दे इसको, तो W एंड यहाँ पे देखो रोटेशन आपको देखना, यहाँ पे रोटेशन भी यहाँ पे देखूँ, अगर मुझे रोटेशन यहाँ पे एक छोटा सा एनिमेशन ही देना है, तो मैंने S यहाँ पे प्रेस कर रखा है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक चीज़ और ध्यान देना है, जब आप हिस्ट्री बनते हो तो ये फाइल हैवी होते जाता है क्या, ठीक है। तो मेक श्योर ये चीज़ें अगर लाइक सही से बैलेंस हो तो काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो पहला काम मैंने अभी क्या किया, दिस वन, ठीक है, 1 2 3 ये हमने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, WDV एंड मिडिल माउस बटन। अभी आप इसको यहाँ पे सिंपल 40 फ्रेम पे गए, आपने यहाँ पे एनिमेशन दिया, तो आप इसको ऐसे एनिमेट भी करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कितना कर दिया, 90 कर दूँगा तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। बाई चांस अगर आपको लगे कि थोड़ा सा टेपर हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा टेपर लग रहा है, तो आप इसको मैनेज कर सकते हो, क्योंकि जब मैंने एक्सट्रूड किया तो उसको मैंने रीसेट नहीं किया। जब आप भी कोई भी काम करते हो ना आप यहाँ पे, तो कभी भी कोई काम करो तो सिंपल आप इसको थोड़ा सा रीसेट कर लो, तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो कि मुझे चीज़ों को ऐसा कुछ मैनेज करना है ताकि मुझे काइडे मिल जाए, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चीज़ों को जैसे यहाँ पे आपने देखा ना, आपने अभी ये चीज़ हमने यहाँ पे दे रखा है, अभी मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है, ये पार्ट मैंने देखा। अब मैं यहाँ पे क्या फ्रंट में क्या, अब मैंने मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है 4 यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और मैं गया लेफ्ट में। तो अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट में गया, मुझे यहाँ पर मेजरमेंट पे थोड़ा सा काम करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, क्रिएट पे गया और मैंने यहाँ पे क्या किया, मेजर टूल डिस्टेंस पे गया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अभी क्लिक करने के लिए मेरे पास यहाँ पे वर्टेक्स का ऑप्शन मिलता है क्या यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मैंने यहाँ तक क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो 11 ही है, ठीक है, ये कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे। इसके बाद अगर लगे कि मुझे थोड़ा सा, हमने एक्सूट के अंदर थोड़ा सा टेपर टाइप से हो गया, ठीक है, मैंने यहाँ से क्लिक किया, अभी यहाँ से मुझे क्या काम करना है, देखो सिंपल सा पार्ट, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, वर्टेक्स पे गए, अभी सीधे कैसे होगा देखो यहाँ पे, इज इट पॉसिबल, इसको मैंने वी प्रेस करके स्नैप कर दिया यहाँ पे, तो काम हो जाएगा यहाँ पे, काम खत्म, ठीक है। तो मैनेज करना आपको आना चाहिए कि अगर आपने यहाँ पे काम किया, वी प्रेस कर दिया आपने यहाँ पे,
ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या काम करने वाला हूँ, यहाँ से मुझे भी मिल गया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बजट टूल आपका लास्ट यहाँ पे मिल जाएगा, आपने क्लिक किया यहाँ पे, देखो अभी ग्रिड पे काम कर रहा है क्या, देखना यहाँ पे ग्रिड पे स्नैप करा, अंडू कर दिया मैंने यहाँ पे, ग्रिड नीचे है मुझे, इनको इनको मैंने ऑफ कर दिया, यहाँ पे मैंने सेट किया वर्टेक्स यहाँ पे देखो। तो अगर देखिए यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करेंगे तो बस यहाँ पे चीज़ें देखेंगे कि मेरे पास ये कितने पार्ट है, कहाँ गया मेरे पास, एक पार्ट यहाँ पे, एक पार्ट मेरे पास यहाँ पे, देखो डिस्टेंस थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैनेज करूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ें विजुअल होना चाहिए, कि मैं अगर यहाँ पे कभी काम करो तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करो, ठीक है। आप लेफ्ट में भी कर सकते हो, एक बार आप यहाँ देखो प्रोस्पेक्टिव में जाके भी आप काम कर सकते हो, प्रोस्पेक्टिव पे गए, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट में गए, मेजर टूल, यहाँ पे डिस्टेंस लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ पे कुछ एक अगर हमारे पास यहाँ पे काम करता है तो क्लिक किया मैंने यहाँ पे, और देन ये पार्ट में बस कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं ये क्रॉस चेक करना है, आप यहाँ पे ये देखो यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको एग्जैक्ट वो लोकेशन मिल जाएगी कि सब क्या काम कर रहे हो। तो आपको जो भी कोई काम करना है, कोई भी चीज़ को आप मेजर करना है, तो आप ऐसे करके मेजर टूल से मेजर करके देख सकते हो आप यहाँ पे, कि आपने यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट लिया तो आप कैसे क्या काम कर सकते हो। तो आप यहाँ पर जाओ सिंपल सा पार्ट मेजर टूल डिस्टेंस पे गए, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ये क्लिक कर दिया मैंने, ये देखा यहाँ पे, देखना पे ये आपका अगर पॉइंट सही जगह नहीं हुआ तो ये काम नहीं करेगा यहाँ पे। तो आपको जितना पार्ट आपको मेजर करना है मेजर करके आप दिखा सकते हो कि किस तरह से आप मेजर कर सकते हो आप यहाँ पे।